हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। पंकज हियर। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एक अटेंडेंस एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे थे। हमने ऑलरेडी इसमें एक एप्लीकेशन बना दिया है माय इंफॉर्मेशन वाला, एंड ये फॉर मैनेजर एंड एम्प्लॉय लॉगिन दोनों के लिए है। यहाँ पे मैनेजर एंड एम्प्लॉय लॉगिन दोनों के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ गए थे जहाँ पे हम अटेंडेंस एप्लीकेशन बना रहे थे। ये हमारा अटेंडेंस एप्लीकेशन है, इस टाइप का हम डिज़ाइन कर रहे थे। तो हमें लोकेशन ऐड करनी है इसमें। तो लोकेशन ना हम टू टाइप से ऐड कर सकते हैं, एक बाय मैप बाय नेम, एक लॉन्ग लेटिट्यूड एंड लॉन्ग लेटिट्यूड। तो मैं पहले आपको एक अलग तरीके से इंसर्ट करके बताता हूँ। यहाँ पर मैं लोकेशन डालूँगा, लोकेशन डॉट आपके डालना है पहले लेटिट्यूड, ओके। एंड हमारे पास वापसी अगेन ये डालेंगे लोकेशन डॉट लॉन्ग लेटिट्यूड। तो ये हमारी लोकेशन आ गई। बट ना हम इन कोऑर्डिनेट्स को गूगल मैप पे डालेंगे तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। तो बीच में हमें क्या चाहिए, कोमा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल इनवर्टेड कोमा एंड अगेन कोमा, डबल इनवर्टेड कोमा एंड अन, ओके। तो हमारी ये लोकेशन कुछ स्टेप से दिखेगी एंड ये वर्क भी करेगी यदि मैं गूगल पे सर्च करूँगा तो, ठीक है। साथ में अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ना देखो, लोकेशन मुझे ये कोऑर्डिनेट्स में चाहिए नहीं, ठीक है। मुझे चाहिए बाय नेम, अभी मैं कहाँ पे हूँ, न्यू दिल्ली में कौन सी जगह पे हूँ, तो मेरी करंट लोकेशन यहाँ पे शो करे। तो मुझे उस टाइप से चाहिए। तो उस टाइप के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कनेक्टर्स का ऑप्शन होता है जहाँ पे बिंग मैप का ऑप्शन होता है। यहाँ पे ऐड डेटा पे जाऊँगा मैं एंड कनेक्टर्स पे जाऊँगा। यहाँ पे बिंग मैप का ऑप्शन आपको शो होता है जो आपको फ्री में मिलता है। आपको इसको ऐड करना है। ऐड करने पे ये API की मांगेगा। तो API की इफ आपके पास अवेलेबल है तो आप वाली डाल देना, अदरवाइज आपको API की कैसे जनरेट करना है उसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने API की ऑलरेडी जनरेट कर रखी है, बट आप भी API की जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च करना बिंग मैप API की, ओके। ये सर्च करोगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी मैप्स API की। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ना बिंग मैप लॉगिन करके अपना और आप API की क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कुछ भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड सब्सक्रिप्शन मतलब लॉगिन करूँगा डायरेक्टली, सिंपल बिंग मैप पे जाऊँगा एंड यहाँ पे बिंग मैप, उसके बाद स्टार्ट बिल्डिंग फॉर फ्री। तो उसके बाद ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है एंड आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन करोगे और लॉगिन करते ही आपको ना API की, मैप की API की आपको मिल जाएगी। तो API की है ना, आपको यहाँ पे जब भी ये ऐड करोगे तो आपको API की मांगेगा। अब मैं जैसे ना मुझे लोकेशन चाहिए तो मुझे बाय नेम चाहिए लोकेशन, तो यहाँ पे मैं क्या डालूँगा, बिंग मैप। तो बिंग मैप के लिए मैं लोकेशन, देखो फर्स्ट लोकेशन हमारी ये कोऑर्डिनेट्स में आ गई है। हम डायरेक्ट इसको सर्च भी करेंगे तो भी आ जाएगा हमारा लोकेशन प्रॉपर। यदि मैं इसको गूगल मैप पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं गूगल मैप डाल लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं ये कोऑर्डिनेट सर्च करता हूँ तो डायरेक्ट मेरी लोकेशन आ जाएगी, ओके। तो एक ऑप्शन ये है हमारा, मैंने सर्च किया लोकेशन आ गई है। अब सेकंड ऑप्शन है हमारा कि हमें बाय नेम लोकेशन चाहिए। तो बाय नेम लोकेशन आपकी कैसे आएगी, उसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आपको देखो सेम फॉर्मूला यदि रखना है तो रख भी सकते हो, अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे बिंग मैप सर्च करना है, बिंग मैप डॉट गेट लोकेशन बाय पॉइंट और बाय एड्रेस या बाय पॉइंट डाल सकते हो। यहाँ पे गेट लोकेशन बाय पॉइंट, अब उसके बाद हमें ब्रैकेट ऑन करना है। यहाँ पे लोकेशन डॉट लेटिट्यूड कोमा लोकेशन डॉट लॉन्ग लेटिट्यूड। तो ये हमारा लोकेशन का आ गया एंड डॉट आपको क्या करना है, नेम बाय नेम आपको लोकेशन चाहिए तो बाय नेम डालना है, ओके। तो ये बाय नेम आपकी लोकेशन आ जाएगी बिंग मैप की, डायरेक्ट अपना मतलब माइक्रोसॉफ्ट का बिंग मैप है जो हमारे लोकेशन यहाँ पे API के थ्रू प्रेजेंट करेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं इसका साइज मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसको सेमी बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा एंड इसको एक वाइट बॉर्डर दे देता हूँ ताकि दिखने में भी ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे वाइट बॉर्डर, वाइट एंड कस्टम थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ बॉर्डर को एंड यहाँ पे बॉर्डर मैं बंद दे देता हूँ
तो हमारा इस वीडियो में ओनली लोकेशन तक ही था, तो लोकेशन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे इस ब्लैंक जो भी हमारा ब्लैंक स्पेस है इसमें हम मतलब बनाएंगे कि यहाँ पे हमारी जो भी है, हमने इस मंथ में कितनी लीव ली है, टोटल लीव शो होनी चाहिए यहाँ पे, एंड हमारी टोटल अटेंडेंस, हम कितने टाइम प्रेजेंट है इस मंथ में, वो शो होना चाहिए। एंड थर्ड हमारा मतलब आज का वर्किंग आवर्स हमारे क्या थे वो शो होने चाहिए। तो उसके लिए हम इस साइड में डेवलप करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आपको कुछ भी शो हुआ हो बिंग्स मैप से रिलेटेड या लोकेशन से रिलेटेड, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो बाय मेल। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।